बता लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, समझ गया ना जी सर। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस गिवन प्लस अदर वर्ड, समझ गया ना जी सर। आई वी यू दे और प्लुरल नाउन के साथ डू लगेगा, डू का प्रयोग होता है, समझ गया ना जी। ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में क्या डज का प्रयोग होता है, समझ गया ना जी। यानी ये सब जितना आएगा इस सब के साथ में क्या लगेगा डू लगेगा, समझ गया ना। ये सब जितना आएगा इस सब के साथ में क्या लगेगा डज। देखो एग्जांपल में मैं नहीं पढ़ता हूँ तो मैं का क्या होता आई होगा जी। इसमें क्या बोले लगाने डू ना जी, डू लगा दिए लग गया ना जी। उसके बाद नोट है ना जी, नोट पढ़ना क्या होता रीड हो जाएगा। हमारे शरीर के अंगों को गति करने में सहायता देती है। आई डू नोट रीड, मैं नहीं पढ़ता। अब देखो दूसरा क्या, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ते तो वह का क्या होता जी। एक साथ में डू या डज, डज के बाद नोट लगेगा ना जी। नोट पढ़ना तो रीड ही होगा ना जी। ही डज नोट जी, वह अंग्रेजी है ना जी। इंग्लिश हो जाएगा क्या हो जाएगा इंग्लिश। ही डज नोट रीड इंग्लिश, समझ गया ना जी। आप पटना नहीं जाते नहीं। आपका क्या होता यू होगा ना जी सर। यू साथ में डू या डज, डू या डज, डू नोट जाना क्या होता गो टू पटना, ठीक है ना जी। आप पटना नहीं जाते, यू डू नोट गो टू पटना। गाय मांस नहीं खाते, गाय हाथ सिंगुलर हुआ प्लुरल हुआ, प्लुरल हुआ ना जी। द काउच क्या हो जाएगा द काउच, प्लुरल हाथ क्या लगेगा डू या डज, डू नोट इट मांस का क्या होता मीट, क्या होता इट मीट हो जाएगा, ठीक है ना। द काउच डू नोट इट आगे शेर रोटी नहीं खाता है। द लायन होगा ना, देखो ध्यान से द शेर एक है कि बहुत है, डू या डज होगा एगो में डज डू होगा डज होगा डज। अरे सिंगुलर मतलब हुआ सिंगल, सिंगल मतलब एक, समझ गया ना। द लायन डज नोट ईट क्या रोटी ना ए ब्रेड, ए ब्रेड आगे वे लोग विद्यालय नहीं जाता है। जाते हैं होगा क्या होगा वे लोग का क्या होगा दे, क्या होगा दे, दे के साथ में क्या लगेगा डू, दे डू नोट गो टू कहाँ नहीं जाता।